अब रुक करते हैं कुशीनगर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिला मुख्यालय पर प्रधान संघ ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज जिले के सभी ब्लॉकों के प्रधान संघ का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार से 18 सूत्री मांगों पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की इस खबर पर नजर, खुर्शीद आलम सिद्दीकी की एक रिपोर्ट पर। सरकार 2 दिन का रोजगार दे रही है, ये मनरेगा रोजगार जो है वो किसानों की सबसे बड़ी रोजगार है। मनरेगा आज अपने समय में सफल योजना है, लेकिन अब इसकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार टाइम से न मनरेगा का मटेरियल पेमेंट कर रही है, न मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दे रही है, और इसकी मजदूरी इतनी कम है, 213 रुपये में इसका 10 बजे अटेंडेंस और 4 बजे अटेंडेंस लिया जा रहा है। 213 रुपये में मजदूर मनरेगा में काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, और मजदूर जो अपने प्रदेश के जो प्रदेश स्तर पर ही रुके हुए थे, अपने गांव में ही रुके हुए थे, धीरे धीरे प्रवास की बहुत बढ़ रही है। इसमें आपने प्रवास किया है, आपने मांग पत्र दी है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी गई तब तक कार्यों का बहिष्कार करेंगे, ग्राम पंचायत के काम बंद करेंगे, चौपाल में बहिष्कार करेंगे। चौपाल से कौन नहीं आता है, ग्राम पंचायत का काम से बहिष्कार का मतलब नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत चूँकि एक कार्यदायी संस्था होती है, और उसमें कार्यदायी संस्था में काम करवाने का अधिकार हमारे सचिव का है, प्रधान ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, और वो चेकर होता है, उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो हम क्यों काम करवाएंगे, काम सचिव के माध्यम से करवाया जाए। इस आपके अभियान में जो 18 सूत्री मांग है, अगर बिल्कुल नहीं मानी गई, आगे की रणनीति क्या? सर, महात्मा गांधी जी का जो नारा था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अहिंसक रास्ते से चल करके असहयोग आंदोलन करेंगे, और सरकार के हर काम में हम असहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी सरकार के ही तीसरी कड़ी में, विकास की तीसरी कड़ी है, सरकार के हर कामों में कदम से कदम मिला के चलने वाला एकमात्र व्यक्ति जो होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। ग्राम प्रधान सरकार के हर कामों में सहयोग करता है, तभी ग्राम की विकास होती है। आखिरी सवाल, राजधानी में लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? जी, मेरी राशि नेतृत्व जो संगठन के हैं, प्रधान संगठन के जो राशि नेतृत्व हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं, सबसे वार्ता हो चुकी है, और हम लोग अपनी रणनीति बना करके प्रदेश स्तर तक भी हम लोग को अगर आंदोलन करना होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। शहर में आप देते हैं 400 मजदूरी, तो देहात में 213 पर कहाँ लेबर मिलेंगे? शहर में आप आवास का धनराशि ज़्यादा देते हैं, उसकी मरम्मत की पैसा रखते हैं, और गांव में कम देते हैं। कहाँ दोहरी नीति है, कहाँ कन्याय है? शहर में अगर एक छत है तो दूसरे छत पर भी किसी लड़के का आवास मिल जा रहा है, गांव में अगर बाप के नाम से है, उसकी 5 बेटा है और 1 बेटे के लिए जब आवास की बात आती है तो सरकार कह रही है उसके आवास बना हुआ हम नहीं देंगे। अरे 5 बेटे हैं तो 5ों के लिए गरीब तो वो हैं, गरीबी रेखा में है, तो उनको आवास देना जनहित में आवश्यक है। तो अगर आप शहर में छत पर देते हैं तो गांव में भी अगर एक घर बना है तो उसके ऊपर दूसरे लड़के को भी सरकार देने की व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। ग्राम सचिव आपके साथ काम करते हैं? ग्राम सचिव टेट टेकर ये लोग काम करते हैं, और मानदेय के पैसा ग्राम सभा से दिया जा रहा है, कहाँ का न्याय है? जो छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं उसमें सारी धनराशि मानदेय में चला जा रहा है, गांव में कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। सरकार कहती है हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, तो आप रोजगार दो और धन भी तो दो, धन उपलब्ध कराओ, हम आपके साथ हैं। हम सरकार के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, जो भी कैंप होता है, जो भी काम होता है, गाँव सभा में अधिकारी जाते हैं, प्रधान ताहे दिल से स्वागत करता है, अपना खर्च लगा कर मॉनिटरिंग करता है, वहाँ व्यवस्था करता है और सरकार के नियमों का पालन कराता है। लेकिन जब प्रधान की हक की बात आती है तो सरकार अपना दाएं दाएं फिस कर देती है। आज प्रधान रोना रो रहा है, आज प्रधान की सबसे व्यवस्था है जो बकाया मजदूरी है, आज 2-2 साल से वह नहीं मिला है। गिट्टी बालू सीमेंट छड़ वाला
पैसा मांग रहा है प्रधानों से, आकर रोज प्रधान आप सब सुन रहे हैं, आज उनको रोना रोना पड़ रहा है। इसलिए सरकार फंड उपलब्ध करावे, हम काम करने को तैयार हैं। जो PWD का रेट है वो गांव सभा में भी रेट होना चाहिए, तो तरफा न्याय नहीं चलेगी। एक तरफा चलिए, एक अगर PWD का जो रेट है जो पैसा मजदूरों को दे रहे हैं उस प्रधानों को भी दिया जाए, यही हमारी मांग है। हमारी जो मांग थी हम ज्ञापन में दिए हुए हैं, तथा DM के माध्यम से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक हमको पहुंचवाना है, इसलिए हम DM साहब उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हम लोग 16 तारीख को एक ब्लॉक स्तर से देते हुए फिर हम लोग राजधानी में पहुंचेंगे और अपना धरना प्रदर्शन राजधानी में जारी रहेंगे। जरूरत पड़ा तो सामूहिक इस्तीफा देकर हम पद से मुक्त हो गए कि ऐसी पद नहीं चाहिए जिसमें प्रधान लाचार और बेचारा हो जाए, यह पद नहीं चाहिए हमको। सरकार उसको मुबारकबाद दे देंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।